क्या बात है, बहुत अच्छी प्रस्तुति टीम आर द्वारा हड़िया चौपला का आपको नृत्य शैली बताया गया। अब हमारी अगली टीम है कोड एश, और इसमें ये विद्यालय के बच्चे आपको जीतू बगड़वाल जी, हमारे तत्कालीन श्रीनगर राजा मानसाहा उस समय में पगड़ी का सम्मान हुआ करते थे, और उनके हाथों में एक वर्ष खेती ना होने के कारण पुरोहित द्वारा उनको कहा गया था कि वो अपनी बहन शोभनी के हाथों रोपड़ी अर्थात रुपाई का विधान तय किया गया है। शोभनी को लेने से पहले छोटे भाई सोगुलू को तैयार किया जाता है, परंतु शोभनी की ननद स्याली भरणा के साथ जीतू के परागट प्रेम के प्रसंग के कारण जीतू चूड़ा कठूर जाने की जिद करता है। अतः जीतू के प्रस्थान के बाद वह रास्ते में पैठखाल पर्वत पर वहाँ की प्रकृति और मल्यार में खोकर बांसुरी का वादन आरंभ करता है। उसकी जीतू बगड़वाल जी की बांसुरी की धुन सुनकर पशु पक्षी समेत 9 बहनें आचरी अर्थात परियां व 12 बहनें भरणी मोहित होकर जीतू के ओर प्रभाव डालना प्रारंभ करती हैं। अचरियों का हरण होने पर बीच में ही जीतू अपने भगोड़ी के भैरव व कोल देवी के प्रभाव के हरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, तथा 6 गति अषाढ़ को बहन के हाथों रुपाई के बाद उसी समय के साथ सदैव के लिए चले जाने का वचन देता है। वचनानुसार जीतू 6 गति अषाढ़ के वचन को पूरा करता है, और हरण के उपरांत हर वर्ष रणभूत जीतू 6 गति अषाढ़ का वचन पूर्ण करके हर वर्ष रणभूत के रूप में पूजा जाता है। लोक गायकों के अनुसार इस लोक नृत्य परंपरा को कोड के प्रतिभागी प्रस्तुत कर रहे हैं जीतू बगड़वाल नृत्य। तो आप सबसे मेरा निवेदन, एक बार जोरदार तालियों से इस परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाइएगा। ये लोग अपना इतना अच्छा सेट, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने, आप देखिए इन्हें कितना टाइम लगा होगा ये सारे प्रॉप्स बनाने में, लेकिन आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, बताइए। नाराज है आज आप सब लोग, आपको तालियां खुद से बजानी है। आपको पता है गाना शुरू होने वाला है, आपने तालियां बजानी है। गाना खत्म हो गया, आपने बच्चों के लिए तालियां बजानी है, वो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे।